हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जो आज का सेशन है हमारे पास, वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आपके पास सेशन नंबर है 7, जिसका नाम है गोल सेटिंग। इसमें आप लोग सीखेंगे कि गोल सेटिंग होता क्या है, गोल सेटिंग करते कैसे हैं, गोल का मतलब क्या होता है, गोल सेट करने से हमें मिलता क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। जो गोल के आसपास की सारी नॉलेज है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसके बारे में नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। सो अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट सेशन, सेशन नंबर 7, जिसका नाम है गोल सेटिंग। देखो बच्चों, गोल सेटिंग आपको एक डेफिनेशन की हेल्प से क्लियर करता हूँ। गोल सेटिंग इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। कि भाई, गोल सेटिंग होता है ना, लक्ष्य का निर्धारण करना, ठीक है। जो आप लक्ष्य या एम होता है आपके लिए, या आपका कोई ड्रीम होता है, देखो हम ड्रीम को भी, अगर हम ड्रीम को एक प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए, तो उसको हम एम या फिर लक्ष्य बना सकते हैं अपना, ठीक है, अपना गोल बना सकते हैं। जैसे एक फुटबॉल के मैदान में होता है, एक फुटबॉलर खेल रहा होता है, ठीक है भाई, खेलता है वो, तो उसका एक ही टारगेट होता है कि मुझे उस सामने वाली गोल पोस्ट में गोल करना है, ठीक है। उसने एम बना रखा है अपना, तो उसी गोल पोस्ट के आसपास या गोल करने के लिए वो मेहनत करता रहता है, ठीक है, प्रैक्टिस करता रहेगा उस चीज़ के करने के लिए। आपने एक एम बना रखा है कि हमें अब की बार 10th क्लास में 98% या 99% या 100% हमें अचीव करने ही करने हैं, तो आप अभी से अपने गोल के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, दिन रात पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में, के जहाँ पर आपको टारगेट दे दिए जाते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग लाइन में हैं, कि आपको इस महीने इतना काम तो करना ही करना है, आज का वो दिन के हिसाब से भी हो सकता है, वो घंटों के हिसाब से भी हो सकता है, वो मंथ या ईयर के हिसाब से भी हो सकता है। टाइम पीरियड की कोई बाउंडेशन नहीं है वहाँ पे, मैक्सिमम वो शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है, एक महीने का, एक दिन का, एक हफ्ते का, ठीक है। तो वो गोल होता है हमारा, और आप सभी को पता है गोल अचीव करने से क्या होता है, हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। कहते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प्स यू डिसाइड हाउ टू लिव योर लाइफ। गोल सेटिंग की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को जीना कैसे है, ठीक है, आप बनना क्या चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं भविष्य के अंदर, ठीक है भाई। तो आपके लिए ये गोल सेटिंग का पॉइंट होता है। आप एक डायग्राम है वहाँ पर देखना, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ उसके लिए आपको। देखो भाई, कहता है यहाँ पर आपके लिए एक सीढ़ी बनी हुई है, ठीक है, एक सीढ़ी नुमा आपके लिए एक एरो है, जहाँ पर स्टेप्स हैं काफ़ी सारे आपके पास। पहले स्टेप पे आपको एक गोल सेट करना चाहिए। देखो, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स सब कहते हैं कि लाइफ में एक गोल सेट करो। अब गोल सेट करेंगे तभी हम फोकस हो पाएंगे, तभी चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे। पहली सीढ़ी पे कहता है आप गोल सेट करो, सेकंड सीढ़ी पे कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाओ, ठीक है, फिर जो प्लान बनाया है उसको एक्शन पे लो, टेक एक्शन, फिर स्ट्रिक्ट टू इट कि भाई जो एक्शन लिया है उस पर लगातार मेंटेन रहो, और लास्ट में अपने गोल को अचीव कर लो, ठीक है भाई। इस तरीके से गोल हमारे अचीव हो पाते हैं। अब देखो, आपके पास एक एग्जांपल है, अमित और रहमान का एग्जांपल है बच्चे। आप देखना, एक अमित है, वो एक, इसने 10th क्लास पास किया है अभी, ठीक है, और ही वॉन्ट्स टू डू द कोर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड वर्क इन द होटल इंडस्ट्री। वो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करना चाहता है और एक होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। मैं अमित की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको अमित के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और कहता, बाय डूइंग दिस जॉब अमित वॉन्ट्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, और ये जॉब करके वो अपने परिवार का हाथ बटाना चाहता है, अपने परिवार को सपोर्ट देना चाहता है। साथ में एक और इंसान है, रहमान 43 ईयर ओल्ड है, ही वर्क्स एज अ न्यूज़पेपर एजेंसी एंड अर्न्स वेल। वो एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करता है और अच्छा खासा कमा लेता है। ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज इन द नेक्स्ट 3 मंथ, कि वो अगले 3 महीने में फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता है अभी। अब देखो, यहाँ पर दो इंसान, एज का भी कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रोफेशन का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। एक स्टूडेंट है, वो कुछ और करना चाहता है, एक पहले से ही वर्किंग आदमी है। दोनों ने अपनी लाइफ में गोल सेट कर रखे हैं, वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। एक यहाँ पर अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखना चाहता है, और दूसरा क्या करना चाहता है, अपनी हॉस्पिटैलिटी को, अपने होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, और साथ में क्या करना चाहता है, वो अपनी जो फैमिली है उसको सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। आगे कहता है,
इज देयर एनी डिफरेंस इन देयर गोल, क्या कोई गोल में डिफरेंस है यहाँ पे? नहीं, दोनों के लिए गोल है भाई, ठीक है। और कहता है एक बेसिक सा डिफरेंस भी है कि जो अमित का गोल है वो शॉर्ट टर्म का गोल है, ठीक है, एक बेसिक सा डिफरेंस है। अमित का गोल यहाँ पर शॉर्ट टर्म का गोल है, और जो गोल रहमान का गोल है, ठीक है, वो सॉरी अमित का गोल यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गोल है, क्योंकि वो अपने लंबे टाइम पर में अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है। और जो अमित का गोल है वो सॉरी रहमान का गोल वो शॉर्ट टाइम पीरियड का, क्योंकि वो 3 महीने में करना चाहता है, ठीक है। आगे कहता है गोल कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, लाइक वो गोल किसी चीज़ से भी रिलेशन हो सकता है उनका, किसी चीज़ से भी संबंधित हो सकते हैं वो, मनी से, हेल्थ से, फैमिली से, एजुकेशन से, करियर से, ठीक है। वो गोल आपको बदलने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। कहता है आगे गोल आर सेट ऑफ ड्रीम्स विद डेडलाइन टू अचीव देम, गोल्स आपके सपनों की तरफ लेके जाते हैं आपको, जो आपने सपने देखे हैं ना उनको पूरा करने के लिए आपको वहाँ पर लेके जाते हैं। और कहता है कि भाई उनको अचीव करने के लिए डेडलाइंस तक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देखो जो डेडलाइन है 3 महीने की, ठीक है, ये 3 महीने के रहमान के लिए एक डेडलाइन है कि मुझे इस तक पूरा ही करना है। एक वर्कर को काम बोला गया है कि आपको 1 हफ्ते में करना ही करना है, ठीक है, 1 महीने में करना ही करना है, तो क्या होगा, वो डेडलाइन है उनके लिए भाई, ठीक है। आगे कहता है कि भाई गोल को हम लोग सेट कैसे करें, जो हम लोग गोल सेट करते हैं, गोल होता है हमारे पास, ड्रीम होगा हमारा, टारगेट होगा, उसको सेट कैसे करें। कहता है उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक मॉडल है, एक स्मार्ट मॉडल है, ठीक है। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, कहता है एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्पेसिफिक। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, जिसको हम माप सकें, जिसको हम लोग चेक कर सकें कि कम ज़्यादा ऊपर नीचे हाई लो, माप सके जिसको बच्चे, ठीक है। आगे कहता है ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, जिसको अचीव किया जा सके। अब कोई नॉन अचीवेबल थिंग्स होगी कि मैं चाहता हूँ कि मैं सूरज ग्रह पे जाऊँ, सूरज पे जाऊँ, सूरज स्टार पे जाऊँ, उस पर सन स्टार पे जाऊँ, कोई जा सकता है? नहीं, नॉन अचीवेबल है। तो ऐसे गोल सेट हों जो अचीवेबल हों। आगे कहता है फोर आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, जो सच टाइप हो, सच लगते हो भाई, ऐसे नहीं कि झूठ मूठ के हवा के आप हवाई फायर करते रहो या फिर हवाई किले बनाते रहो कि भाई नहीं यही गोल होगा हमारा, जो रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता। आगे कहता है टी फॉर टाइम बाउंड, के टी मतलब कि टाइम बाउंड मतलब जो भी गोल आप बनाते हैं वो टाइम बाउंड होना चाहिए। तो आपके लिए ये एक जो स्मार्ट है, ये एक मॉडल है जिसकी हेल्प से आप अपने गोल को सेट कर सकते हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। आगे कहता है कि भाई जो गोल्स होंगे आपके पास, ठीक है, जो आप स्मार्ट मॉडल की हेल्प से आप गोल सेट करते हो, उनको गोल्स में कैसे तब्दील किया जाए, हाउ टू मेक गोल्स स्मार्ट, स्मार्ट गोल कैसे किया जाए भाई। कहता है स्पेसिफिक, कहता है स्पेसिफिक और या क्लियर गोल्स, आंसर 6 questions, इनकी हेल्प से आप 6 question आपके पास सॉल्व होते हैं। हु इज़ इन्वॉल्व इन द गोल, कि गोल में आखिर में इन्वॉल्व कौन है। वट डू आई वॉन्ट टू डू, मैं करना क्या चाहता हूँ। वेयर डू आई स्टार्ट, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। वेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, मुझे कहाँ स्टार्ट करना है और कहाँ फिनिश करना है। विच मीन्स डू आई यूज़, कि मुझे कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। वाई आई एम डूइंग दिस, और मैं आखिर में ये क्यों कर रहा हूँ। तो आपके पास ये 6 answer सॉल्व हो जाएंगे, स्पेसिफिक आंसर होंगे आपके पास, ठीक है। तो इनकी हेल्प से आप एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। मेजरेबल में क्या कहता है, मेजरेबल गोल आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, मेजरेबल में क्या, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितना ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा। हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव रिजल्ट्स, कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझे रिजल्ट्स अचीव किए गए हैं या नहीं। ये मेजरेबल है कि भाई मैंने रिजल्ट्स को मापा है या नहीं, पैरामीटर्स आपके लिए भाई। आगे कहता है अचीवेबल, के कहता है ब्रेकिंग डाउन दिस बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट विच मेक्स द गोल अचीवेबल, कि जो हमारे बड़े गोल होते हैं ना, उनको बड़ों को जो बड़े टारगेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि आप अपने छोटे गोल्स को अचीव कर लेंगे और बाद में सभी को एक तरफ और एक साथ कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। बिगर गोल, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन अ स्कूल, मुझे एक स्कूल में टीचर बनना है, एक बहुत बड़ा गोल है, ठीक है। आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्या पहले हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करो, फिर ग्रेजुएशन, फिर बीएड, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करो। जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनको अचीव करते रहो, आप अपने जो मेन गोल है फाइनली उसको भी अचीव कर लेंगे। और 5th point में कहता है रियलिस्टिक, कहता है द रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वॉन्ट एंड वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द गोल, के जो हम गोल्स को पाने के लिए करते हैं रियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, ठीक है। कहता फॉर एग्जाम्पल
आई विल रीड माई एंटायर ईयर सिलेबस इन वन डे एंड गेट गुड मार्क्स, इज़ इट पॉसिबल टू डू सो? बच्चों, कि आप एक ही दिन में सारे सिलेबस को कवर कर ले? नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं लगता मुझे तो. ठीक है, आप ये चाहते हैं कि मैं हर रोज़ 3 घंटे पढ़ूँ तो मैं कुछ महीने में 3-4 महीने में अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकता हूँ. एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए भाई. आगे कहता है टाइम बाउंड. स्मार्ट गोल शुड हैव अ टाइम फ्रेम. एग्जाम्पल, बाय वेन द गोल नीड्स टू बी अचीव्ड, कि गोल्स को अचीव कब किया जाए. दिस एनकरेज अस टू मे टेक एक्शंस टू कम्प्लीट फुलफिल द गोल्स, कि मुझे अपने गोल्स को अचीव कब करना है उसके लिए ही आप टाइम बाउंडेशन करते हैं कि मुझे इस टाइम पीरियड तक, मुझे एक हफ्ते में, एक दिन में, एक महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में. टाइम पीरियड भाई आपके लिए कि उसमें अपना गोल को अचीव करना ही करना है. ठीक है, एक नॉन एग्जाम्पल आपके पास, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे, कि मैं किसी दिन 10 किलो अपना वेट लूज़ करना चाहता हूँ. इज़ इट पॉसिबल? नहीं, नॉट पॉसिबल भाई. जो एक परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा, आई वांट टू लूज़ 10 kg इन द नेक्स्ट 6 मंथ. आपने टारगेट बनाया है कि अगले 6 महीने में मुझे अपना वेट 10 किलो कम करना है. ठीक है, अचीवेबल टारगेट है, टाइम बाउंडेड टारगेट है भाई. ठीक है, तो ये आपका कम्प्लीट सेशन था. अब आपके पास कुछ क्वेश्चन, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गोल सेटिंग, कि गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है, वो आंसर लिखना है यहाँ पे. कहता है, इन स्मार्ट गोल व्हाट डज SMART स्टैंड्स फॉर, के भी जो SMART जो एब्रीवेशन है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है. ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में कहता है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म गोल्स, कि जो लंबे गोल्स होते हैं हमारे, लंबे टाइम पीरियड के गोल्स होते हैं, उनके लिए कौन सा तरीका सही होता है. तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके बच्चों इस सेशन में जो आपको पूरे करने हैं. ठीक है बच्चे, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही. आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा. अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट्स किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट फील कर सकूं कि आप बच्चे रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं और वीडियो को अच्छे से समझ भी रहे हैं. ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे.